First of all, I would like to thank our director sir, HOD sir, and all the teachers for giving this opportunity to us. So let's start the presentation with the introduction of the company. So जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि Zomato क्या है, आप सभी ने इसे कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा, किया है ना? Yes. So इसमें आप अपने नियर बाय रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हो, रेस्टोरेंट की यूजर रिव्यूज देख सकते हो, मेन्यूज देख सकते हो. So आज हम बात करेंगे इसकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई. Zomato की जर्नी जो है वो इसके जो फाउंडर्स है दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, ये जिस कंपनी में काम करते थे बेन एंड कंपनी, वहां के कैफेटेरिया से हुई. वहां के कैफेटेरिया में उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत वेट करना पड़ रहा था अपने फूड ऑर्डर करने के लिए, रेस्टोरेंट का मेन्यू देखने के लिए. सो दीपेंद्र गोयल ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें लोग रेस्टोरेंट के मेन्यू देख सके, फूड ऑर्डर कर सके. सो दीपेंद्र गोयल ने पंकज चड्ढा के साथ मिलकर 2008 में इसकी शुरुआत की थी. फूडी वे नाम रखा गया था इसका शुरुआत में. इसमें 6 एम्प्लॉइज थे. स्टार्टिंग में इसमें दिल्ली एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट्स ऐड किए गए. 2008 के एंड में इसमें 2000 प्लस रेस्टोरेंट्स ऐड हो गए. 2009 में मुंबई कोलकाता और 2010 में पुणे बेंगलुरु में भी इसका नाम फेमस हो गया. 2010 में इसका नाम फूडी बॉय से चेंज करकर Zomato कर दिया गया. लेकिन आप सबको पता है इसका नाम Zomato ही क्यों रखा गया? नहीं पता किसी को? क्योंकि इसके जो फाउंडर्स हैं वो ये चाहते थे कि इसका जो नाम हो वो खाने की चीज से रिलेट करता हो, तो उन्होंने टोमेटो से ही इसका नाम जो है Zomato रखा. जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि इसकी जो ऐप है उसका कलर भी रेड है और टोमेटो का भी कलर रेड होता है. आज Zomato 10,000 प्लस सिटीज और 24 कंट्रीज में चलता है. इसमें 2,000 प्लस एम्प्लॉइज है. सो अब हम बात करेंगे इसके मिशन और विजन के बारे में. सो पहले मिशन और विजन होता क्या है? विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि कंपनी आने वाले 10-20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती है. और मिशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि कंपनी ने जो विजन देखा है उसे वो कैसे पूरा करेगी, कैसे फुलफिल करेगी. तो Zomato का जो मिशन है, Zomato's mission is to ensure that nobody has a bad day. और इसका जो विजन है वो ये है कि आने वाले कुछ सालों बाद आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, Zomato आपको खाने के लिए अच्छी जगह डिस्कवर करके देगा. सो आई वुड लाइक तो ये है इसकी टाइमलाइन. तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दी प्रेजेंटेशन टू अपन टू चंदना. थैंक यू ईशा. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज आर डिवाइडेड विद इन द कंपनी. टॉकिंग अबाउट Zomato's ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, Zomato has 11,555 employees, including their founder, Mr. Pankaj Chadha, and CEO. He is currently appointed as CEO in 2026, Mr. Deependra Goyal. Zomato has highly decentralized and flat structure, which means there are very few layers between CEO and employees. They all the three levels, which is top level, middle level, and lower level, are highly integrated together. Integrated teams, lower level can easily communicate with the high level with the problems, suggestions, solutions of anything. And in this, the communication they follow is informal communication. Talking about departments, they have been divided into three parts, that is leadership, executive and CEO team, and third is founder team. Talking about executive and CEO team, executive and CEO team is responsible for strategic direction and decision making of the company. Here, team members are Mr. Akshant Goyal, the CFO. CFO represents. CFO is Chief Finance Officer with a remuneration of rupees 5.9 crore. And talking about Deependra
alone and he is CEO of the company. These members are work with a quoted investment company, Bain & Company and Kevin. Talking about operational head is responsible for day-to-day food delivery and restaurant services. Food delivery head is Mr. Rahul Ganjo with a remuneration of rupees 3.8 crore. Now Zomato business and restaurant. Zomato
रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करता है अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए. नाउ माय फ्रेंड मोना विल कंटिन्यू. थैंक यू सो मच अपना फॉर पार्टिसिपेटिंग माय स्टोरी. देन माय टॉपिक इज कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स दीस आर द कॉम्पिटिटर्स. दीस आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ Zomato. फर्स्ट ऑफ ऑल Zomato. Zomato इज एन इंडियन मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एंड फूड डिलीवर कंपनीज. फर्स्ट एट फाउंडिंग डेट November 2008. फाउंडर नेम दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा. एम्प्लॉयज 3800.